मैं गीता वर्मा गीता के न्यू लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। तो आइए वीडियो शुरू करते। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लिपस्टिक लगा सकते हैं जो कि कई घंटे तक टिकी रहे। आमतौर पे क्या होता है, हम लिपस्टिक लगाते हैं और थोड़ी देर में वो बिल्कुल साफ हो जाती है, कुछ खाते हैं पीते हैं बिल्कुल साफ हो जाती है और हम लोग बार बार लिपस्टिक लगाते रहते हैं। तो ऐसा ना करना पड़े। बहुत बार क्या होता है कि जब हमारे पास टाइम होता है तब तो हम लगा लेते हैं और कई बार क्या होता है कि पार्टी में गए, फंक्शन में गए, अब हर जगह तो हम पर्स में से लिपस्टिक निकाल कर नहीं लगा सकते ना, क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारी चीजें खानी होती है, खाने के बाद लिपस्टिक हट जाती है। तो ऐसा क्या करें कि हमारी जो लिपस्टिक है जैसी की तैसी बनी रहे, बिल्कुल भी हटे नहीं। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करने वाली हूँ, आपकी जो लिपस्टिक है वो कई घंटे तक टिकी रहेगी, आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जैसी है वैसी रहेगी, बिल्कुल भी लाइट नहीं होने वाली है। बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मैं खुद इस तरह से लगाती हूँ, मेरी लिपस्टिक कई कई घंटे तक टिकी रहती है। तो आइए देखते हैं कौन सा तरीका है वो। तो सबसे पहले अगर आपके होंठ फटे रहते हैं बहुत ज़्यादा तो आपको लिप स्क्रब करना है और लिप स्क्रब करने के बाद आप कोई भी लिप बाम लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो होंठ है वो मॉइस्चराइज हो जाएंगे और आपकी लिपस्टिक में अच्छा ग्लो आएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी लिपस्टिक। अगर फटे हुए होंठों पे आप लगाएंगे तो बिल्कुल भी लिपस्टिक अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर मैंने ये लिप बाम लगा लिया है और मॉइस्चराइज कर लिया है अपने लिप्स को। अब हम क्या करेंगे, कोई भी फाउंडेशन लेंगे। जब आप फेस पे फाउंडेशन लगा रहे हो तो इस तरह से लिप्स पे भी फाउंडेशन लगा लें। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ इसलिए बाद में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये कोई भी फाउंडेशन जो आप अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं वो फाउंडेशन हल्का सा इस पर लगा लें इस तरह से। तो काफ़ी अच्छे से मैंने ये फाउंडेशन लगा लिया है और अगर एक्स्ट्रा लग गया तो आप ठीक कर लें उसे। और इसके बाद हम सेट करेंगे इसे कोई भी फेस पाउडर से कॉम्पैक्स से। तो मैं यहाँ पर गर्मियों का टाइम है तो सनस्क्रीन वाला ले रही हूँ। इसे क्या होगा, हमारे जो लिप्स है वो काले भी नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लैक्मे का फेस पाउडर लिया है जिसमें ऑलरेडी SPF 40 है और इस तरह से हम लिप्स को सेट कर लेंगे इसे कॉम्पैक्स से और जितना भी एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट है वो हम इस तरह से क्लीन कर लेंगे। तो ये काम आपको जब मेकअप कर रहे हो तभी करना है, मैं आपको ये बाद में करके दिखा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, कोई भी लिप लाइनर लेंगे, जिस कलर की भी आप लिपस्टिक लगाना चाहते हो उसी कलर का लिप लाइनर लें और इस तरह से शेप बना लें। इससे क्या होगा, आपकी लिपस्टिक फैलेगी नहीं, बहुत अच्छी शेप आएगी और आपको लिपस्टिक लगाने में आसानी होगी। और अगर आपके होंठ पतले हैं तो इसे मोटा दिखा सकते हैं, मोटे हैं तो पतला दिखा सकते हैं। तो उस हिसाब से अपने आउटलाइन बना लें जिस हिसाब से आप रखना चाहते हैं अपने होठों को। तो इस तरह से हमेशा जब भी आप लिपस्टिक लगाएं तो लिप लाइनर का यूज़ ज़रूर करें। तो सेम कलर का करें जिससे पता ही नहीं चलता है कि आपने लिप लाइनर यूज़ किया है और आपकी लिपस्टिक बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आउटलाइन बना ली है। अब मैं यहाँ पर कोई भी बुलेट लिपस्टिक ले रही हूँ, मेरे पास ये ब्लू हेवन की है, मैं रेड लिपस्टिक लगाऊंगी इसलिए मैंने ये रेड कलर की लिपस्टिक ली है। आपको सेम कलर की लिपस्टिक लेनी है, सेम कलर का लिप लाइनर लेना है। तो अब मैं इसमें रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से लग गई, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है, सिर्फ आपको आउटलाइन के अंदर अंदर लगानी है, बाहर नहीं लगानी है। तो अब हम एक टिश्यू पेपर लेंगे और टिश्यू पेपर को अपने लिप्स के बीच में इस तरह से दबाएंगे जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा, जितनी भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक होगी वो सारी टिश्यू पेपर पे आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये सारी जो एक्स्ट्रा लिपस्टिक थी वो सारी टिश्यू पेपर पे आ गई। एक बार मैं और कर लेती हूँ ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक है वो सारी टिश्यू पेपर पे आ जाए और हमारी लिपस्टिक बिल्कुल भी साफ ना हो, क्लीन ना हो थोड़ी देर बाद। ये देखिए लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं लग रही है अब हाथों पे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक सेम रेड कलर की और इससे मैं आप इसे लगाऊंगी। तो ये भी बहुत इजी हो जाता है लगाना लिक्विड लिपस्टिक। ये देखिए अगर आपने आउटलाइन बना रखी है तो आप लिपस्टिक बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं कम टाइम में। तो बिल्कुल भी नहीं फैलती है। तो हमेशा दो लिपस्टिक का इस्तेमाल करें जिस तरह से मैंने किया है, एक बुलेट लिपस्टिक जो क्रियॉन्स वाली आती है और एक लिक्विड लिपस्टिक। तो इस तरह से ये देखिए मैंने लिक्विड लिपस्टिक लगा ली है और इसे मैं 2-3 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ
तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे जो लिपस्टिक है वो ड्राई हो चुकी है, पर गर्मी का टाइम है, बार बार पसीना आता है, तो फिर ये लिपस्टिक थोड़ी सी गीली हो जाती है। तो हम फिर से टिश्यू पेपर लेंगे और इस तरह से लिप्स के बीच में दबाएंगे। तो इससे जितनी भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक होगी वो सारी टिश्यू पेपर पे आ जाएगी। ये देखिए मुझे थोड़ा सा पसीना आ गया था, इसलिए लिपस्टिक यहाँ पे हल्की सी गीली हो गई है। तो इस तरह से जितनी भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक होगी वो सारी टिश्यू पेपर पे आ जाएगी। एक बार मैं और कर लेती हूँ। तो अच्छे से प्रेस करना है, जितनी भी एक्स्ट्रा लिपस्टिक होगी वो सारी टिश्यू पेपर पे आ जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही मामूली सी लिपस्टिक आई है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आई है। इसे मैं आपको टच करके अब दिखाती हूँ। तो बिल्कुल भी ये लिपस्टिक अब आपकी हटने वाली नहीं है घंटों तक। और इस तरह से आप लगाइए और मुझे बताइएगा कि क्या रिज़ल्ट था। तो मुझे अच्छा लगता है जब आपका फीडबैक मिलता है। तो आज का अगर ये लिपस्टिक लगाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को कर सकते हैं लाइक, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।